1999 में बना दुमका का एकमात्र सरकारी जिम अपनी बदहाली खुद बयां कर रही है। ना सिस्टम है ना सिस्टमेटिक ढंग। जब प्रशिक्षण देने वाला खुद अप्रशिक्षित हो तो विद्यार्थी सीखेंगे कैसे। इंडोर स्टेडियम में संचालित जिम में करना चाहते हैं मनमानी। सीखने और सिखाने का नहीं है कोई सरोकार। बता दें कि 1999 में बना एकमात्र सरकारी जिम जो इंडोर स्टेडियम में संचालित है। पूर्व में बनी कमेटी प्रशिक्षण देने वाला यदि खुद अप्रशिक्षित हो तो वह जिम में आने वाले छात्राओं को सिखाएंगे क्या। अक्सर होने वाले विवाद और विवाद से संबंधित मामला क्या है ये जाने पूरी खबर में। ललिता कुमारी नाम है। खेल से जुड़े हैं? कुश्ती से। अच्छा, कुश्ती के लिए फिटनेस की कितनी जरूरत है? बहुत जरूरत है सर, जिम की जरूरत है। अच्छा, आप लोग जिम के लिए अक्सर लड़ाई भी किए हैं, आप लोग काफी संघर्ष किए हैं यहाँ पर जिम जी सर के लिए। तो एक बार जो क्या हुआ था, एक बार वाकया जयराम महतो सर, जब हम लोग आए थे मतलब हम नेशनल का ये हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, तब आए थे यहाँ पर जिम भी करने के लिए। तो जयराम सर मतलब काफ़ी हम लोग को बहुत कुछ बोले और मतलब नहीं जिम करने दिए थे तब, और निकाल दिए गए थे हम लोग को यहाँ से। वो नहीं जानते कि आप कुश्ती खिला रही हैं? पता था सर, बताए भी थे। बताया था ना। हाँ, तो अब जो आप लोग अभी जिम कर रहे हैं, वर्तमान में जो ट्रेनर हैं उससे कितने खुश हैं, कैसा है? बहुत खुश हैं सर। अब अच्छा मतलब अगर उसके द्वारा करें तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फिटनेस अभी आप लोग का कैसा, मतलब जिम करने आता है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और जयराम महतो जब कर रहे थे सर, हम उससे हम ट्रेनिंग लिए हैं ना, नहीं जानते हैं सर। समनाथ कुमार। कौन खेल से जुड़े हैं? जिम, अभी जिम जो करते हैं। जिम करते हैं। हाँ। आप लोग सारे यंग लोग यहाँ पर जिम करने आते हैं किसके अलावा? नहीं नहीं, कुछ लेडीज़ भी आते हैं। कुछ लेडीज़। कैसा है अभी यहाँ का माहौल? बहुत बढ़िया है। हाँ, कितने दिन से आप जिम कर रहे हैं? हम करीब करीब 6-7 महीना से। कौन सिखा रहे हैं 6-7 महीना? अभी यहाँ संतोष भैया से गाते हैं हम लोग को। अभी कौन सा विवाद उपज गया यहाँ, जयराम शर्मा? हाँ देखिए, जयराम शर्मा जो आते हैं उनको तो पहले कभी देखे नहीं है, तत्काल जो है कुछ दिन से देख रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं वो? देखिए कुछ कहते नहीं, प्लस स्पेशल है कि उनको वो प्रशिक्षित नहीं है। जो हम लोग को अगर कुछ चीज़ पूछते हैं, जैसे हम लोग को कुछ अच्छा हो के पूछते हैं, तो उसमें वो प्रशिक्षित नहीं है, जिसके कारण हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या नाम है आपका? प्रमिका हेम्ब्रम। किस खेल से आप जुड़े हैं? हम कुश्ती। कुश्ती। कुश्ती में फिटनेस की कितना जरूरत पड़ता है? बहुत जरूरत पड़ता है। उसमें आप लोग जिम की भी जरूरत? जी। तो जिम में किस तरह के ट्रेनर की जरूरत पड़ती है? जिम में मतलब ये बॉडी वेट लिफ्टिंग का वो तो और सब डंबल सब। अभी आप लोग जिम करने आता है कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। कौन सर सिखाते हैं यहाँ? यहाँ पे सिखाते हैं ट्रेनर संतोष सर। खुश हैं उससे? जी सर। पहले अपना आपका नाम क्या हुआ? अजीत सिंह। किस खेल से जुड़ेगा? बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से। कितने साल से यहाँ ट्रेनिंग आप जिम कर रहे हैं? हम लगभग 2003 के बाद से ही कर रहे हैं। तो अभी पहले का ट्रेनर कौन थे और अभी कौन है? पहले जयराम शर्मा थे, अभी संतोष कुमार गुप्ता जी हैं। जयराम शर्मा ट्रेनिंग देते थे, क्या सिखाते थे? देखिए पहले ट्रेनर के अभाव में जिस तरह वो ट्रेनिंग देते थे, हम लोग उस तरह ट्रेनिंग किए हैं। आज नया नौजवान और नए समय में नए ट्रेनर का जो है आए हैं, इससे हम लोग को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बेनिफिट है और ज़्यादा हम लोग ट्रेंड हो रहे हैं और बढ़िया फिटनेस के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी जिस तरह से इसमें जो सुनने में आ रहा कि जो बदसलूकी उससे किया गया है, इससे पूर्व भी जयराम महतो जयराम जो शर्मा ने बदसलूकी किया है यहाँ के खिलाड़ियों के साथ में, फिर दोबारा? जहाँ तक बदसलूकी की बात है, हम मेरे संज्ञान में भी आया है, हो सकता है उस दिन हम नहीं थे, लेकिन जहाँ तक है कि बदसलूकी हुआ था, जब उनको जब निकाला नहीं गया था, कहने का मतलब जब उनको कह दिया गया था कि जब नया आप ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं तो लड़के लोग जो है आपसे संतुष्ट नहीं हैं, तो नए जब ट्रेनर आ गए तो उनको जो है कुछ दिन के लिए मतलब वो अपने मतलब शायद रिजाइन दिए या क्या हुआ इस बीच में, कुछ पता भी नहीं चला, कुछ दिन के लिए खुद ही वो गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा था। और हमारे जो है अभी जो वर्तमान ट्रेनर हैं वो कंटिन्यू ट्रेनिंग दे रहे थे, हम लोग यही जान रहे हैं कि वो रिजाइन दे चुके हैं। ये कि 1999 में ये जिम बना, तब से लेकर आज तक में क्या बदलाव हुआ और इन 7 महीना में कितना कुछ बदला है? पहली बात तो क्या, हम उतना इन्वॉल्व नहीं थे इस में, हम लोगों का वॉलीबॉल गेम चल रहा था, बाबूदा से आज से नहीं, हम लोग जब फुटबॉल खेलते थे उस समय से बाबूदा से बच्चा से ही मेरा लगाव रहा है। बाबूदा बोले हमको
कि बाबूदा मीन्स शरीर स्वस्थता संघ के जो सचिव हैं श्री विमल भूषण गुहा उर्फ बाबूदा, हमको बोले कि हैदर जिम में थकते हो, अभी रहना होगा तो रहोगे? हम बाबूदा आप बोलिएगा तो हम रहेंगे नहीं, मगर इतना है कि हम जब से आए लड़के लोग भी बहुत खुश हुए, पैसा भी एक अच्छे जगह में जा रहा है। पता चला कि जो पहले पैसा लेता था बहुत घपला किया पैसा, मगर हमारे पास जब से आए हम, हमको जितना भी लड़का पैसा दिए हम बाबूदा को दिए, रसीद लिए, लड़कों को मैं वापस किया। मगर अगले महीने का 20 या 21 तारीख को मीटिंग रखा, ये लोग राजनीति करके हमारे साथ साथ संतोष कुमार गुप्ता जी, राजू सिंह है, किस खेल से जुड़े हैं? बॉडी बिल्डिंग जी। कितने साल से हैं? हाँ, मेरा अभी 6-7 महीना हुआ है। तो अभी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं जिम का, तो दुमका जैसे शहर में सरकार के द्वारा ये जिम प्रोवाइड किया गया, कैसा लग रहा है जिम? सही लग रहा, अभी ट्रेनर भी सही है, संतुष्ट हैं हम लोग उनसे। अच्छा, इसमें राजनीतिकरण होना या कोई अपने वर्चस्व कायम करना चाहता है, ये कहाँ तक सही? नहीं, ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ का, कैसा यहाँ का विधि व्यवस्था कैसा होना चाहिए? जो ट्रेनर है जो है अभी वही हम लोग को चाहिए, और दूसरा कोई नहीं चाहिए। जयराम शर्मा जो यहाँ पर कुछ करना चाह रहे हैं वो अपने वर्चस्व? नहीं, वो तो 2-4 दिन से आ रहे हैं, उससे पहले कहाँ गायब थे पता नहीं, अभी 2-4 दिन से आते हैं, कुछ जैसे हुआ ऐसे बता दिए। जयराम शर्मा क्या करवाते हैं? नहीं पता हमको, नहीं बारे में कुछ नहीं पता, बाहर कराटे सिखाते हैं बस, हम इतना जानते हैं। अभिषेक मंडल। किस खेल से जुड़े हैं? हम यही बॉडी बिल्डिंग जी। जिम भी करते हैं? जिम कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग में जिम का कितना योगदान है? बॉडी बिल्डिंग में देखिए, सबसे पहले तो जिम बहुत कोई लोग फिटनेस के लिए भी आते हैं, फिजिक बनाने भी आते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए आते हैं, और एथलीट के लिए बॉडी आते हैं। उसके लिए अच्छा ट्रेनर की जरूरत पड़ती है? बहुत ज़रूरत है, बिना ट्रेनर के सिर्फ आप कुछ नहीं कर सकते, आपके जिम में ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक प्रशिक्षित भी होना चाहिए जिससे बॉडी में ग्रोथ अच्छा हो, उसके लिए एक मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। अभी जो आपका मार्गदर्शक है, ट्रेनर है, कौन है? संतोष कुमार गुप्ता सर। उसे क्या कुछ फायदा हो पा रहा है? जी, हम उनसे संतुष्ट हैं, हम पिछले साल भर से जिम कर रहे हैं, हमको अभी उनके आने कारण से हम लोग को बहुत सारा गाइडेंस मिला, जिसके कारण से जो है हमारे बॉडी में हमको बहुत सारा परिवर्तन मिला, जो कि अच्छा। अभी जो ये विवाद आ रहा है कि जयराम शर्मा बोल रहे नहीं हम ट्रेनर हैं, हम करेंगे, देखिए वो जनरली है कराटे एक्सपर्ट है, और वो कराटे बाहर सिखाते भी हैं, बीच में जब उनको समय मिलता है तभी वो थोड़ा बहुत आते हैं, पीटी वगैरह करा देते हैं और चले जाते हैं। संतोष सर आते हैं हम लोग के, वो हम लोग को बॉडी बिल्डिंग में गाइडेंस करते हैं, हम लोग अगर गलत कर रहे हैं तो आके हम लोग को बताते भी हैं, और खुद से अलग से पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं। जो विवाद उपज जाता है, इससे पहले भी कुछ कुश्ती के खिलाड़ी जिम करना चाह रहे थे, और आपका यहाँ का जो जयराम शर्मा उसको कुछ जिम करने के लिए नहीं देना चाह रहे थे, गाली गलौज भी किया था, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, न्यूज में चला था हमारे न्यूज़ में, क्यों ऐसा वो करते हैं? पता नहीं, शायद मानसिक बीमार होंगे, अभद्र भाषा का वो हमेशा व्यवहार करते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर बाबूदा भी हैं, उनके साथ भी हम अभी सुन रहे हैं कि अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहे हैं वो। क्यों ऐसा वो करना चाहते हैं कि यहाँ से निकल गए हैं, या यहाँ पर जो वर्चस्व का एक उसका वो खत्म हो रहा है? शायद यही बात है कि उनका वर्चस्व यहाँ से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो तो समय देते नहीं है, और ख़ास करके वो बॉडी बिल्डिंग से उनका कोई लेना देना भी नहीं है, वो कराटे सिखाते हैं बाहर में और सारे बच्चे को वहाँ पे टाइम देते हैं, जो बचा खुचा टाइम में बच्चे अपने से करता है। सबसे बड़ी बात है कि इतने सालों में ये शारीरिक संगठन जो भी है बॉडी बिल्डिंग का, इतना साल हो गया यहाँ से एक भी बच्चा ना ही स्टेट में अपना प्रेजेंट अच्छा दिखा पाया, ना ही नेशनल के लिए चयन हो पाया, जो और यहाँ पे 2 साल से ये भंग है, और 2 साल से यहाँ बच्चा भी नहीं जा रहा, तो आखिर इसका क्या रीज़न है इतने साल से होने के लिए, और सबसे पुराना जिम है यहाँ से, जबकि सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ से चयन होना चाहिए, और दुमका का एक मात्र सरकारी जिम जिसमें सारे सरकार द्वारा जितना भी सुविधा उपलब्ध कराया जाता है, यहाँ से तो और ज़्यादा बच्चा जाना चाहिए था, लेकिन उनका उनके कारण ही, शायद उनका प्रशिक्षण के कारण ही यहाँ से कोई बच्चा नहीं चयन हो पा रहा। जिम के लिए कैसा बेहतर ट्रेनर होना चाहिए? जिम के लिए बेहतर ट्रेनर वही हो सकते हैं जो जिम में ज़्यादातर टाइम दे, और जो खुद जिम के बारे में जिनका नॉलेज हो, बॉडी बिल्डिंग से जो जुड़े हुए हों, जो पुराने बॉडी बिल्डर हों, वो उनके बारे में अच्छा से जानकारी दे सकते हैं। जयराम शर्मा प्रशिक्षित नहीं थे क्या? नहीं, उनका तो ऐसा कोई भी पुराना रिकॉर्ड हम तो आज तक नहीं जाने कि वो इस तरह से कुछ भी हैं। आज आप लोग बैठक रखे हुए हैं, और क्या हो रहा है अभी जिम में समस्या? मैं सचिव विमल भूषण गुहा, बहुत पहले ही मैं अपना त्याग पत्र अपना उपायुक्त DC साहब
एवं एसडीओ साहब को भेज चुका हूँ। वहाँ से आज तक मेरा त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया है और ना ही कोई पत्र आया है, इसलिए मैं अपना कार्य जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में सचिव के तौर पर काम कर रहा हूँ। मगर हमारे जो पुराने कमेटी है वो लोग हमको दबाव देके हमको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। मैं 22 साल से इस जिम को अकेले ही चला रहा था, लेकिन इन लोग का नियत कुछ दूसरा है। तो इस संबंध में वो लोग एक बैठक बुलाया जिसमें ये निर्णय लिया गया कि ये ओपन इलेक्शन हो और हर सदस्य 100 रुपया दे के मेम्बर बने, और जो मेम्बर बनेगा वही वोटिंग राइट होगा। इसमें हम लोग सब कोई सहमति हुए। तो क्या और रहा है, इससे पहले जो ट्रेनर थे वो किस तरह का ट्रेनर थे? जयराम शर्मा पहले मेरे साथ ही 2019 से ही यहाँ पर ट्रेनिंग देता था, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने, मैंने 5-6 साल पहले उन्होंने एक अपना एक संघ बना लिया, संस्था बना, जिसका नाम है कराटे। कराटे संघ में ही ज़्यादातर वो अपना समय बिताते थे, जिसके कारण जिम का लड़का काफ़ी उससे नाखुश था और वो कभी आके ठीक से वो अपना प्रशिक्षण नहीं देते थे। इस कारण मैंने 2 सदस्य को, एक प्रशिक्षक और एक ट्रेजरर को नियुक्त किया, और ये हमने एसडीओ साहब को खुद लिख के दिए थे जो मैं संतोष कुमार गुप्ता, जो शारीरिक शिक्षक है एवं हॉली चाइल्ड में आपका शारीरिक शिक्षक है, एवं मोहम्मद हैदर हुसैन जो झारखंड कबड्डी संघ का कोषाध्यक्ष है, उनको मैंने नियुक्त किया। और मैं जिम से ही इन दोनों को पेमेंट कर, कार्ज करेगा तो पैसा हम जिम से ही न देंगे। इस बीच ये लोग बौखला गया, जे जयराम शर्मा को हटा दिया, उसको पेमेंट भी मैंने रोक दिया। हमने उसको कहा अगर आपको कैरेटे में रहना है तो आप कैरेटे में रहिए, हम दूसरा आदमी को रखेंगे। इसी बात पर हमारा साथ दोनों का एक मन मटाव चल रहा था। इसी बीच मैंने 2 आदमी को रखा, और 2 आदमी को रखने के पहले कमेटी के एक सदस्य अमित कुमार सिंह ने हमको कहा कि आप अकेले इस जिम को नहीं चला सकेगा, आप 2 आदमी को रखे। नाम नहीं बोला था, लेकिन वो बोला था एक प्रशिक्षक और एक कोषाध्यक्ष रखिए जो कि पैसा उठा के आपको देगा और आपने उसको रसीद काट के दीजिएगा। इसी सिलसिले में हम उन दोनों को रख लिए थे। बीच में ये लोग एक बैठक बुलाया, बैठक में ये पारित कर लिया कि जे आप अकेले कैसे निर्णय लिए, ये तो आपका अपना जिम नहीं है, कमिटी है। तो जब हम अपना रेजिग्नेशन ही दे दिए तो कमिटी कहाँ से आता है? पहले भी आपका बैठक में ये पारित हुआ था, जो बैठक संख्या 3 में सर्वसम्मति ये निर्णय लिया गया था कि संघ में पूर्व के सदस्यों का हेराफेरी एवं नए सदस्यों का शामिल करते हेतु सचिव को अधिकृत किया गया, तथा सचिव को यह भी निर्देश दिया गया कि नए समिति के गठन का एक प्रति उपायुक्त अध्यक्ष जिला शरी ष्ठ दुमका के पास नोट शीट के माध्यम से शरी ष्ठ प्रतिनिधि का पूर्व या बाद में भेजा जाए। तो हमको जब निर्णय लेने के ही लोग क्षमता दिए, तो मैंने अपना निर्णय लेके 2 आदमी को रखे, इसमें लोग को बोलने का क्या जरूरत है? जो आप ट्रेनर जो रखते हैं, क्या वो प्रशिक्षित हैं? हाँ, लिए हुए वो इससे पहले जयराम महतो ट्रेनर थे, क्या वो प्रशिक्षित नहीं थे? जयराम शर्मा प्रशिक्षित नहीं थे, सिखाते थे वो बच्चे? वो ऐसे ही अंदाज में खाली हाथ और पैर हिलाते थे। इतना दिन से केवल हाथ और पैर नहीं हिला रहे जी। तो अभी ये तमाम जो जिम के जो लड़के हैं, इस लोग को क्या करना है? ये अभी जो तमाम लड़के हैं, ये संतोष कुमार गुप्ता जो 12 साल से जिम कर रहा था और ये एक शारीरिक शिक्षक है, तो उन्होंने ही इन लड़का लोग को प्रशिक्षक दे रहा है और लड़का इससे संतुष्ट है। ये आपके 7 महीना से, हाँ, अभी इसका कोई शिकायत वगैरह? इस पर लड़का लोग को कोई शिकायत नहीं है, और मेरा इसके चलते काफ़ी लड़का इसमें प्रवेश किया है। जिम को भी बेनिफिट हो? हाँ, और लड़के भी सीख रहे हैं? हाँ।